नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसका सत्र 12 का भाग 2 है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई भी इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या इसी तरह के रिवाज और अभ्यास से काले जादू का आरंभ हुआ है? तो रा कहते हैं, एक तरह से यह सही भी है और गलत भी। ओरियन का समूह आप लोगों में से जो नकारात्मक लोग होते हैं उनकी सहायता करता है। यह वही लोग होते हैं जो किसी भी मामले में खुद की ही सेवा करते हैं। इनमें से ऐसे कई हैं जो इनर प्लेन्स में रहते हैं। यहाँ पर वो सारे लोग रहते हैं जैसे इनर गुरु, मार्गदर्शक तथा कुछ आत्माओं पर कब्जा करने वाले होते हैं जिनका झुकाव खुद की सेवा करने की तरफ होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो इनर प्लेन्स की जो बात हो रही है ना, ये उन लोगों की बात हो रही है जो धरती के नीचे रहते हैं, और धरती के नीचे दोनों ही हैं। इस किताब के मुताबिक ओरियन समूह के लोग भी धरती के नीचे ही हैं और महासंघ के लोग भी धरती के नीचे ही हैं। और जब भी हम लोग ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो जो इनर गुरु होते हैं वही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आप जिससे अपनी वो लेना चाहे ना, क्या कहते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन या जानकारी, वो आपको दे देते हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या यह संभव है कि इस धरती की यदि कोई इकाई या व्यक्ति इतना भ्रमित हो कि वह दोनों को यानी परिषद और ओरियन समूह को बारी बारी बुला ले? तो जब भी दोस्त हम परिषद बोलेंगे तो यहाँ महासंघ की ही बात हो रही है। तो रा कहते हैं, यह पूरी तरह संभव है। यदि संपर्क करने वाला अशांत और भ्रमित हो तो वह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के संपर्क ग्रहण कर सकता है। यदि वो इकाई जो कि भ्रमित है परंतु उसका झुकाव दूसरों की सेवा की तरफ है तो उस इकाई को डूम के संदेश प्राप्त होते हैं, यानी कि जी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, दुनिया पलट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा, ये सारी चीजें आने लग जाती है उनके दिमाग में। तो आगे रा कहते हैं, यानी कि उन्हें डराया जाता है। यदि उस इकाई का झुकाव खुद की सेवा की तरफ होता है तो लड़ाकों को झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। वे ऐसे ही उन्हें वो फिलॉसफी देना शुरू कर देते हैं जिसे वह देने यहाँ आए होते हैं। आपके यहाँ के ऐसे काफी लोग भ्रमित और आत्मघाती हो जाते हैं क्योंकि उनका झुकाव होता है तो दूसरों की सेवा की तरफ, परंतु उनकी सबूत मांगने की इच्छा के कारण वे लड़ाकों के झूठे जानकारियों में फंस जाते हैं तथा वे लड़ाके इनके झुकाव को बदलने में कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात ये हो रही है कि प्रूफ मांगना। अब प्रूफ मांगना क्या होता है? प्रूफ ये होता है भाई कागज पे कुछ कोई चीज लिखी हो, ठीक है ना, इस तरीके का प्रूफ मांगने लग जाते हैं, लेकिन जो आंख के सामने चीज होगी ना उसको नहीं मानते, ये वाली बात है। तभी दोस्तों हमने आपको केवल एक सुझाव ही दिया था कि यदि आप चाहें तो स्टीवन ग्रियर के वीडियोस देख सकते हैं, उन्होंने वहाँ पे प्रूफ भी दिए हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बोल रहे हों, उन्होंने वहाँ प्रूफ भी दिए हुए हैं। और यदि आप खुद महासंघ को कांटेक्ट करना चाहें तो वो उसका तरीका भी डॉक्टर स्टीवन ग्रियर ने बनाया हुआ है, जो कि आज काफ़ी लोग, काफ़ी क्या, काफ़ी 100 करोड़ से ज़्यादा लोग ही उसको कर रहे हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या इन लड़ाकों के ज़्यादातर लोग चौथी घनत्वता के होते हैं? तो रा कहते हैं, हाँ, ज्यादातर लोग चौथी घनत्वता के ही होते हैं, यह सही है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या चौथी घनत्वता को हमें सामान्य रूप से दिखते हैं या हमसे अदृश्य ही रहते हैं? तो रा कहते हैं, सामान्य शब्द का उपयोग प्रश्न के अर्थ को भ्रमित करने वाला है। इसे अधिक स्पष्ट करने के लिए हम इसे अलग ढंग से व्यक्त करते हैं। चौथी घनत्वता के लोग अपनी पसंद से तीसरी घनत्वता के सामने अदृश्य और दृश्य दोनों हो सकते हैं, लेकिन यह चौथी घनत्वता की पसंद नहीं होती है कि वे दिखाई दें, क्योंकि उन्हें उनकी कंपनता बदलने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखो, अभी बात हुई थी ना ऊपर कि भाई इधर से महासंघ के भी होते हैं, उधर से दूसरी तरफ से ये चौथी घनत्वता के ओरियन समूह के भी होते हैं। तो ओरियन समूह के जो होते हैं ना, जैसे भूत पिशाच और ये सारी चीजें होती ना, वो सारे ओरियन समूह के ही होते हैं। और जो अपना क्या कहते हैं रचयिता की साइड के होते हैं, सारे रोशनी के और इन सब चीजों के होते हैं, रोशनी के बने हुए, क्योंकि वो तो सत्य का रास्ता चुनकर और रचयिता के सत्य को जानते हैं ना, तो वो उस तरफ होते हैं और ये अंधकार अंधकार के होते हैं।
दोनों में यही फर्क है। यदि हम रामायण से इसको थोड़ा सा जोड़कर देखें अपने आप से, क्योंकि हमें तो वही पता है, तो भगवान राम जो प्रभु राम थे उनको अगर आप देखोगे, उन्हें सूर्यवंशी कहा जाता था क्योंकि वो रोशनी के प्रतीक थे, है ना। और इधर से रावण जो था वो अंधेरे का प्रतीक था, बिल्कुल विपरीत। तो ये कुछ कुछ वैसी ही कहानी है। खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। क्या कोई परिषद यानी कन्फेडरेशन या ओरियन के लोग धरती पर रह रहे हैं और हमें दिखाई नहीं देते हैं, और हमारे समाज में इस तरह महत्वपूर्ण है? क्या वो हमारे साथ ही रह रहे हैं? तो रा कहते हैं, यहाँ इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो आपके साथ रह रहे हैं। हालांकि ओरियन के लड़ाके के दो तरह के इकाई यहाँ काम कर रही है। पहला प्रकार विचार का रूप है यानी थॉट फॉर्म है, और दूसरा प्रकार एक तरह के रोबोट हैं। तो दोस्तों, इनके दो तरीके के हैं इस धरती पे। थॉट फॉर्म का मतलब हो गया जो तुम्हारी सोच से खेल रहे हैं इस वक्त। तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी सोच में क्या चल रहा है। तुम्हें लगेगा कि तुम दूसरों की सेवा के रास्ते पे चल रहे हो, परंतु तुम दूसरों के नहीं, तुम खुद की सेवा के रास्ते पे चल रहे हो। तो तुम्हारा कहीं ना कहीं ये है कि जब भी किसी व्यक्ति को ये लगे कि यार ये कर रहा हूं तो इसमें मेरा फायदा क्या है, यदि आपको ये लगे मेरा फायदा क्या है, तो इसका मतलब आपके दिमाग से खेल गया है ओरियन समूह। और दूसरा उन्होंने कहा रोबोट है। तो अब ये रोबोट जो हैं, ये क्या कहते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या दिखते हैं, अब पता नहीं, लेकिन इस किताब के द्वारा तो रोबोट ही है। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। क्या आप रोबोट का वर्णन कर सकते हैं? तो रा कहते हैं, यह रोबोट आप लोगों की तरह ही दिखाई देते हैं, इन्हें बनाया जाता है। तो दोस्तों, हमारे ही जैसे दिखने में होंगे, इन्हें बनाया जाता है। तो डॉन कहते हैं, क्या इन रोबोट को सामान्य रूप से मैन इन ब्लैक कहते हैं? दोस्तों, एक मूवी थी ना, एक फिल्म आई थी मैन इन ब्लैक, तो उसके हिसाब से ये बोल रहे हैं। तो रा कहते हैं, यह गलत है। तो डॉन कहते हैं, ये मैन इन ब्लैक कौन होते हैं फिर? तो रा कहते हैं, मैन इन ब्लैक एक सोच की तरह है, इसका अस्तित्व बनाया हुआ होता है, उसकी कुछ शारीरिक विशेषताएं होती हैं जो उन्हें दी जाती हैं, हालांकि वे तीसरी घनत्वता के नहीं होते हैं, इसलिए वे जरूरत पड़ने पर गायब हो सकते हैं और प्रकट भी हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं कि एक रोबोट की तरह होते हैं, लेकिन रोबोट की तरह गायब भी हो सकते हैं और सामने भी आ सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं इस केस में। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या यह सारे मैन इन ब्लैक ओरियन के लड़ाके द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं? तो रा कहते हैं, हाँ यह सही है। तो डॉन कहते हैं, यदि उनमें से एक हमारे यहाँ आए और यदि मैं उन्हें पकड़ लूंगा और अलमारी में बंद कर दूं, तो क्या मैं उन्हें रख सकता हूँ या वो गायब हो जाएंगे? तो रा कहते हैं, यह निर्भर करता है कि किस तरीके की इकाई को आपने पकड़ा है। शायद आप इसे समझने में सक्षम हों, उन्हें थोड़े समय के लिए रखा जा सकता है, हालांकि इनमें गायब होने की क्षमता होती है। इन पर दूर से प्रोग्रामिंग करना कठिन होता है, परंतु इनमें स्वयं ही गायब हो जाने की क्षमता होती है। यह विचार रूप होते हैं, इसलिए इनसे जूझने में आप सक्षम नहीं है। तो दोस्तों, यदि कोई पकड़ भी लेना है इन्हें, तब भी नहीं कर पाएगा। ये भूत की तरह काम करते हैं, बिल्कुल, मतलब रहेंगे तो इंसान के शरीर में, लेकिन भूत की तरह रहेंगे और गायब भी होना जानते हैं। इनके पास भी सारी वो ताकतें हैं। आपको याद होगा दोस्तों, रामायण में था ना कि गायब भी हो रहे हैं और सामने भी निकल के आ रहे हैं, गायब भी हो रहे हैं सामने भी निकल के आ रहे हैं। तो कुछ इसी तरीके की कहानी सी चल रही है यहाँ पे। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या यह एक के कानून के खिलाफ है, और क्या मैं इन इकाइयों को पकड़कर गलती करूंगा? रा कहते हैं, एक के कानून के अंदर कोई गलतियां नहीं होती हैं, तो तुम इन्हें पकड़ना चाहो तो पकड़ भी सकते हो, गलतियां नहीं होती हैं उसके अंदर। तो डॉन कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि यदि मैं इनको पकड़ता हूं तो मैं किस तरह की ध्रुवता वाला बनूंगा, यानी खुद की सेवा करने वाला या दूसरों की सेवा करने वाला? तो रा कहते हैं, इस सवाल पर आप स्वयं ही विचार करें, हम एक के कानून को समझाने आए हैं, यह सुझाव नहीं दे सकते हैं। तो मतलब वो ये नहीं, देखो दोस्तों, यहां पर उन्होंने दोबारा कहा कि हम तुम्हें ये नहीं कह सकते कि तुम ये करो या वो करो, क्योंकि इसमें तुम्हारी आजादी का उल्लंघन है। तुम खुद देख लो तुम्हें क्या करना है, जो तुम करोगे उसके हिसाब से हम तुम्हें जवाब दे देंगे। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, धन्यवाद, आपने हमें घुमक्कड़ यानी वॉन्डरर्स के बारे में बताया था, वह कौन होते हैं, वे कहां से आए हैं? तो रा कहते हैं, कल्पना कीजिए यदि आप कर सके तो, समुद्र के किनारे के रेत के बारे में, इन सारे रेत के अनगिनत कण का स्रोत अनंत बुद्धिमानिता होती है। जब एक समूह अपनी इच्छा को समझकर पूरा कर लेता है, यानी अपने सबक सीख लेता है, और फिर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उनकी इच्छा लोगों की सेवा करने की है, जो भी सहायता के लिए उन्हें पुकारता है वह उनकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं, इन लोगों को आप दुख के भाई बहन कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो महासंघ है ना, ये दुखियारों के हैं, और आपको याद होगा कि
राम भी दुखियार हो गई थे। ऐसा नहीं था कि राम सुखी लोगों के साथ खड़े थे। राम ने, आप पूरी रामायण उठा के देख लेना, कहीं पर भी राम ने कभी सुखी लोगों के साथ रहे हो। अपना घर त्याग दिया, ठीक है, निकल गए उसमें वन में, गरीब गरीब लोगों से मिल रहे हैं, ठीक है, शबरी के बेर खा रहे हैं। तो उसमें भी यही दिखाया गया कि हम तो दुख के भाई बहन हैं। और पूरी रामायण में राम ने कहीं नहीं कहा कि भाई मैं तुम्हारा भगवान हूँ। उन्होंने कहा हनुमान तुम भी मेरे भाई हो, सुग्रीव तुम भी मेरे भाई हो, विभीषण मेरे भाई, जो इतने भी थे ना, सबसे भाई भाई करके बात की उन्होंने, सबसे भाई भाई करके। इससे पता, और यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि हम तो दुख के भाई बहन हैं, सुख से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। खैर, फिर वो आगे कहते हैं, यह उनके पास आते हैं जिन्होंने दुख में उन्हें पुकारा होता है, यह इस अनंत ब्रह्मांड के हर एक कोने से आते हैं और दूसरों की सेवा की इच्छा के साथ बंधे होते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इन्हें बुलाएंगे ना, दिल से बुलाएंगे, ये आ जाएंगे। ये वॉन्डरर्स जो होते हैं ना, जो घुमक्कड़, ये यहाँ पे पैदा हुए होते हैं दूसरों की सेवा के लिए। आप में से कई होंगे, आपको पता नहीं होगा, क्योंकि इसका भी एक कारण है जो कि आगे इस किताब में बताया गया है। तो डॉन कहते हैं, इस समय इनमें से कितनों ने पृथ्वी पर जन्म लिया है? तो रा कहते हैं, इनमें से काफी लोगों ने इस समय यहाँ जन्म लिया है, क्योंकि इस समय उन्हें इस ग्रह की कंपनता को ठीक करना है तथा कटाई में सहायता करनी है। इनकी संख्या लगभग 65 मिलियन है। तो दोस्तों, 1 मिलियन हो गया आपका 10 लाख, तो आप लगा लो 65 करोड़ 1981 में थे, अब तो ये बहुत ज्यादा हो चुके हैं, 100 करोड़ से भी ऊपर इतने भेजे हैं, बहुत ज्यादा भेजे हैं। और ये चीज हमें पता चली थी जब हम LL रिसर्च को देख रहे थे, हम लोग उनका मटेरियल देख रहे थे कि और कितनी कितनी चीजें आगे बढ़ी, तो इतने उतार दिए कि जिनका काम आपको पता चल जाएगा, जो दूसरों की सेवा के लिए काम कर रहे हो ना, दिल से अपना ना सोच रहे हो कि जी मुझे ये मिलेगा और मुझे वो मिलेगा, जो दिल से दूसरों की सेवा कर रहे हैं ना, ये वही होते हैं। तो डॉन कहते हैं, क्या इनमें से कई चौथी घनत्वता के हैं? वे किस घनत्वता से आए हैं? तो रा कहते हैं, इनमें से कुछ चौथी घनत्वता के हैं, बड़ी संख्या में छठी घनत्वता से हैं। इनमें सेवा करने की इच्छा काफी तीव्र होती है, इनके मन काफी पवित्र होते हैं, आप यह उनकी बेवकूफी या बहादुरी कह सकते हैं। इनके साथ एक चुनौती या खतरा होता है कि वे पृथ्वी में जन्म लेने के बाद अपना मिशन भूल सकते हैं, और कार्मिक तरीके से यानी कर्म के तौर पर अगर देखा जाए, कभी कभी बुराई का साथ भी दे देते हैं, वे भूल जाते हैं और विनाश में सहायक हो जाते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है पता है क्या, जो दिल के अच्छे होते हैं ना, जो वो सोच तो ये रहे होते हैं कि भाई मैं दूसरों की सेवा करूंगा, लेकिन यहाँ पे उनको भ्रमित करके दूसरी दिशा में ले जाया जाता है, और जब वो दूसरी दिशा में जाया जाते हैं तो उनको लगता है कि वो तो जी अपने जैसे होता है ना, कि भाई मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, ये मेरा गुट है या ये मेरे लोग हैं, मैं तो इनकी सेवा कर रहा हूँ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि पूरा ब्रह्मांड एक है, सारे के सारे भाई बहन है इस ब्रह्मांड में, सारे प्रेम और रोशनी से बने हैं, और सब कुछ रचयिता की सोच में चल रहा है। तो डॉन कहते हैं, यह कार्मिक रूप से कैसे लिप्त हो जाते हैं, क्या आप इसका उदाहरण दे सकते हैं? तो रा कहते हैं, यदि कोई इकाई या व्यक्ति सचेत रूप से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ प्यार से पेश नहीं आता है तो वह कार्मिक रूप से लिप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये कह रहे हैं कि यदि आप दूसरों से प्रेम से नहीं पेश आ रहे हो ना, तो आपका कर्म जन्म ले जाएगा। अगर आप दूसरों से नफरत और ये सारी चीजों से करोगे, तो आपका कर्म इसका मतलब हो गया है तैयार, आपने कर लिया, आपने खुद किया है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है आप किसी से इन्फ्लुएंस होके कर रहे हो, लेकिन आपने कर लिया है अभी, और इस किताब के मुताबिक आपका भी एक मतलब ऐसा कोई होगा तो उसका हिसाब किताब इस किताब के अंदर है कि उसका होता क्या है फिलहाल। तो डॉन कहते हैं, अभी मुझे ख्याल आया है, क्या इनमें से किसी भी घुमक्कड़ को पृथ्वी की परिस्थितियों के कारण शारीरिक रूप से कोई परेशानी होती है? तो रा कहते हैं, तीसरी घनत्वता और अन्य घनत्वता की कंपनता के बीच काफी अंतर होता है, इस कारण उनमें कुछ तरह की अपंगता, कठिनाई और सबसे ज्यादा गंभीर समस्या अकेलेपन की होती है। सबसे ज्यादा आम कठिनाई इन्हें अकेलेपन की ही होती है, क्योंकि इस ग्रह की कंपनता से उनकी कंपनता मेल नहीं खाती है, इस कारण उन्हें व्यक्तित्व विकार यानी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होते हैं। उन्हें पृथ्वी के वातावरण में अपने को ढालने में दिक्कत होती है, इस कारण उन्हें एलर्जी भी हो जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ उनके सिम्टम्स हैं। एक तो ये कि जी रहेंगे तो पूरे ग्रुप में सबके साथ रहेंगे, दुनिया के साथ खेलेंगे, हंसे खेलेंगे, सब कुछ, लेकिन उनके बीच में भी रह के ना अकेलापन रहता है उनको अंदर से ये लगता रहता है, ये क्या है, सारे के सारे एक ही दिशा में भागते चले जा रहे हैं, इन्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है कुछ कि प्रेम ही सब कुछ है, क्यों ये इतने नफरत और ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो उनका कुछ इस तरीके का बिहेवियर होता है,
और ये रचयिता के द्वारा भेजे, रचयिता क्या, इस महासंघ के द्वारा भेजे गए होते हैं इस धरती के ऊपर, भेजे क्या गए होते हैं, खुद चुन के आते हैं, कहते हैं कि जी हमें भेजो हमें भेजो, वरना ये जाएगा ग्रह हाथ से, हमें भेजो हमें भेजो, इस वजह से होता है ये। और उसके कारण उन्हें एलर्जी भी होती है, कई लोगों को होता है जी जैसे जैसे ही मौसम बदला उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, मौसम बदला नहीं तबीयत खराब हो गई, किसी ना किसी तरीके की एलर्जी हो जाएगी, हो सकता है धूल मिट्टी से हो जाए, हो सकता है किसी तरीके के खाने से हो, हो सकता है किसी चीज को टच करें और वो टच करते ही उससे एलर्जी हो जाए उनको। तो ये जो है ना, ये वॉन्डरर होते हैं, मतलब यही होते हैं वो घुमक्कड़, या कह लो नारायण नारायण, यही होते हैं वो। खैर, तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे ये अपने शारीरिक रोगों का उपचार स्वयं कर सकें? तो रा कहते हैं, यह इस समय का अंतिम बड़ा सवाल होगा। स्वयं का उपचार करने के लिए अपने अंदर की अनंत बुद्धिमानिता से जुड़ना आवश्यक है, लेकिन इस घनत्वता में आने के कारण इस तरह के लोगों में ये किसी कारणवश अवरोधित ब्लॉक हो जाती है। ये अवरोध या ब्लॉकेज हर व्यक्ति में अलग अलग जगह होती है, इसलिए इन्हें अपने अंदर के आध्यात्मिक प्रकृति यानी स्पिरिचुअल नेचर की वास्तविकता को सचेत रूप में समझने की आवश्यकता होती है और अनंत बुद्धिमानिता से जुड़ने का प्रयास करना होता है। जैसे जैसे ये अवरोध खुलने लगते हैं, उनके शारीरिक रोग भी खत्म होने लगते हैं और वे स्वयं का उपचार कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये जो कह रहे हैं ना स्पिरिचुअल नेचर और ये जो ब्लॉकेज जो होती है, ये ब्लॉकेज होती है अंदर के चक्रों में। आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे स्पिरिचुअल चक्र होते हैं उन चक्रों में आ जाती है ब्लॉकेज, क्योंकि यहाँ के होते नहीं है। अब यहाँ आ गए, शरीर यहाँ के मिल गए, लेकिन आत्मा जो है वो हायर घनत्वता की है, आत्मा की भी अपनी कंपनता होती है। कुछ हमने जैसे कहा था ना आपको कि आपकी एक कॉपी हर जगह है, एक इस अभी जो आप हम जी रहे हैं वो इसकी कॉपी है इस वक्त फिलहाल, इसकी एक कॉपी एक और चौथी घनत्वता में, फिर पांचवी में, फिर छठी में, उनमें भी अलग अलग लेवल है, उनके अंदर भी अलग अलग बनी हुई है सारी की सारी। ऐसे होता है, कॉपी पेस्ट ऐसे ही चलता है सारा काम। तो इसमें ये है कि भाई इनका जितना भी होता है ना, यहाँ पर अगर ये चाहे तो अपने आप को ठीक कर सकते हैं, परंतु उसका तरीका है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन के जैसे बहुत सारे तरीके होते हैं, हमने आपको अपना भी बताया। एक तरीका ये भी है भाई, अगर ध्यान अवस्था में बैठ जाओ, जो चीज दिमाग में आ रही है उसका उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा ऐसे करते रहो, ये सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन का। तो खैर, आगे रहा कहते हैं, हम कार्ला को उदाहरण के तौर पर लेंगे। इनकी बीमारी का कुछ हिस्सा मुख्य रूप से इंडिगो रे यानी पीनियल ग्रंथि के अवरोध के कारण है। दोस्तों, ये पीनियल जो होता है ना, ये जो हमारी तीसरी आंख वाला होता है ना, उसका है, उसके बारे में बात हो रही है। यह ऊर्जा क्षेत्र बुद्धिमान ऊर्जा को इस सृष्टि के हर वैध स्रोतों से प्राप्त करती है। यदि कोई व्यक्ति सचेत रूप से इस ऊर्जा क्षेत्र को नहीं खोलता है तो वह इस तीसरी घनत्वता के माया जाल में फंस कर रह जाता है। यदि यहाँ कोई अवरोध नहीं होता है तो रचयिता की ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में शुरू हो जाता है और उस व्यक्ति का शरीर हर पल ठीक होता चला जाता है। तो दोस्तों, जिनकी तीसरी आंख खुल जाती है ना, इसे पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, इंडिगो रे, यदि ये खुल गया तो आपके पास सारी शक्तियां आ जाती हैं, पावर आ जाती है आपके पास पूरी, क्योंकि अब जितनी भी इंफॉर्मेशन या जानकारी आपको मिलेगी ना, और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो सारी की सारी अनंत बुद्धिमानिता यानी रचयिता की सोच से मिल जाती है एकदम से जाके प्योर। वो तो आप होते तो हम रचयिता की सोच में ही है, लेकिन रचयिता के दिमाग में कैसे चल रहा है, रचयिता ने कैसे रचना की, ये सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं उस व्यक्ति को। तभी आपने सुना होगा पहले के जमाने के लोग ना जादू सा कर देते थे कि जी हवा में से निकाल दी चीज, इधर की चीज उठा के उधर कर दी, यहां से गायब हो गए उधर निकल गए, जमीन से हवा में उड़ गए, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये इसी वजह से हो पाती है। तो खैर, वो आगे कहते हैं, कार्ला के हरे रे के ऊर्जा क्षेत्र में भी कुछ विकृति है जिसे आप हृदय चक्र कहते हैं। तो दोस्तों, ये हार्ट चक्र होता है, दिल का चक्र, ठीक है ना, ग्रीन रे बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। तो कहते हैं यह दूसरों की सेवा की तरफ उसकी इच्छा के कारण जरूरत से ज्यादा ही खुला है, क्योंकि यह खुद की परवाह किए बगैर अपनी शक्ति और ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। यह विकृति मुख्य रूप से नीला रे या आज्ञा चक्र के अवरोध के कारण होता है। नीला रे होता है दोस्तों जो बिल्कुल हमारा ये जो गले का जो चक्र होता है ना, इसे बोलते हैं नीला रे, मतलब हम जो मुंह से बोलते हैं ना, वो होता है नीला रे। किसी किसी का बहुत खुला होता है, कोई कोई चुप चुप रहना पसंद करता है, तो जो लोग चुप चुप रहना पसंद करते हैं ना, उनके इसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज रहती है, इसलिए वो चुप चुप रहना पसंद करते हैं ज्यादातर, या कह लो मुंह से बोलेंगे तो अजीब सा ही बोलेंगे, तो इस वजह से ये चक्र के अंदर जो ब्लॉकेज आ जाती है ना, उसके कारण होता है। तो खैर, आगे रहा कहते हैं, इस अवरोध का मुख्य कारण उनकी यह सोच है कि वो अयोग्य है,
यह अयोग्यता की सोच उसके बुद्धिमान ऊर्जा के स्वतंत्र प्रवाह को रोकता है। तो ये इस वजह से भी होता है कि वो ये सोचता है, अरे यार मैं तो दूसरों से कम हूँ, अरे वो मुझसे बेहतर है, अरे ये सारी चीज़ें, अरे इसके पास तो सब है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। और ये वो उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं तो अयोग्य हूँ, मेरे बस की नहीं है कुछ भी। और इस वजह से ये चक्र के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है, उनके गले के चक्र के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है। तो वो कहते हैं सातवां या बैंगनी रे अप्रभावित होता है। यह ना केवल ऊर्जा को ग्रहण करने वाला होता है बल्कि उस व्यक्ति की कंपनता के स्तर का कुल योग सम टोटल होता है। तो दोस्तों ये पता है यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर हो रही क्राउन चक्रा जो हमारे सर के ऊपर होता है। आपको याद होगा शायद जब एक बच्चा पैदा होता है या हम भी होते हैं, हम एक चीज बोलते थे ना छोटा मगज जिसे हम तालू भी बोलते हैं, सर के अंदर होता है ऊपर, है ना, कहते हैं कि भाई यहाँ पे मारने से बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसमें ना ये होता है यहाँ पे जाके हमारे जितने भी चक्रों का जितना भी वो बनता है ना सम टोटल, वो सारा का सारा यहाँ पर होता है, सर के ऊपर कांप रहा होता है ये, इसका कोई काम नहीं होता, ये तो केवल सम लेता है उसका क्योंकि कितना हुआ, इसका काम कितना हुआ, कितने चक्र खुले इसके। तो खैर आगे ना कहते हैं, परंतु यदि नीचे से ही ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है तो यह चक्र भी सक्रिय नहीं हो पाता है। इसे सक्रिय करने का एक ही तरीका होता है कि प्यार से शांतिपूर्वक यह समझना होगा कि वह परफेक्ट है और उस रचयिता से अलग नहीं है। कि मतलब अपने आप को ये मान के चले कि भाई मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, रचयिता ने तो सब दे के भेजा है, मैं चाहूं तो मैं ले सकता हूं, रचयिता ने अपनी सारी सारी बुद्धिमानी मेरे को दे रखी है पहले से पहले ही, ये तो मेरे ऊपर है कि मैं इसे लूं या ना लूं। अगर मैं बाहर के माया जाल में फंसा, दुनिया के खेल खेल में फंसा तो नहीं ले पाऊंगा, हाँ अपने ऊपर काम किया तो ले सकता हूँ। तो फिर आगे रहा कहते हैं जिसे आप स्वास्थ्य का खराब होना भी कहते हैं, कि मतलब ऐसा हो जाता है कि उसे लगेगा अंदर से कि जी मैं परफेक्ट नहीं हूं और ये नहीं हूं वो नहीं हूं, और उसकी फिर तबीयत खराब हो जाती है। तो आगे रहा कहते हैं दरअसल वह एक या एक से अधिक ऊर्जा क्षेत्र के अवरोध होने से होता है। इसे ठीक करने के दो तरीके हैं, या तो वह इसे स्वयं ठीक करे या कोई और उत्प्रेरक या कह लो माध्यम इस काम को करे और उसे ठीक कर होने में मदद करे। यानी या तो वो खुद ही मेडिटेशन करके इसको ठीक करे, और अगर मेडिटेशन करके इसको ठीक नहीं कर पाता है ना, तो फिर या तो किसी बाहर वाले का, कोई जैसे हीलर्स होते हैं ना, कुछ स्पेशलाइज होते हैं, उनको पता होता है कि चक्र कैसे खोले जाते हैं, तो उनकी मदद लेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है वो हीलर्स क्या करते हैं, वो सीधा का सीधा ना पिनियल ग्रैंड सीधा ही ये तीसरी आंख खोल देता है, और तीसरी आंख खोलते ही और नी खोल तो देते हैं लेकिन बीच के चक्रों में अगर कहीं भी दिक्कत हुई तो फिर वो व्यक्ति पागल हो जाता है, उसको लोग कहते हैं कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि चक्रों में फंसाव हो गया, अब कुछ चक्र खुले हुए और सीधे के सीधे जाके एकदम से तीसरी आंख खोल दी, तब दिक्कत होनी शुरू होती है उस व्यक्ति को। तो अगला कहते हैं रा कि क्या और कोई छोटा सवाल है सत्र को खत्म करने से पहले। तो डॉन कहते हैं क्या यह आपके लिए बताना संभव है कि हम तीनों में से कोई घुमक्कड़ है, मतलब हम में से भी कोई नारायण नारायण है। तो रा कहते हैं हमने अभी आप तीनों के मन शरीर आत्मा को स्कैन कर लिया है और यह बताने में कोई भी हानि नहीं है कि आप लोगों में से सभी घुमक्कड़ हैं। तो मतलब ये तीनों ही वॉन्डर थे, इसी काम के लिए आए थे, और वो आगे बोल रहे हैं जो कि एक मिशन के लिए आए हैं और वही आप सभी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जिम, कार्ला और डॉन, ये तीनों के तीनों इस धरती पर पैदा इसलिए हुए थे कि इस एक के ज्ञान को लेकर दुनिया में बांट दें, ताकि दुनिया अपना चुनाव कर सके कि भाई कौन से रास्ते पे जाना है, ये वाला सतयुग चाहिए कि वो वाला सतयुग चाहिए। अभी आपको पता चलेगा आगे कौन सतयुग कितने तरीके के होते हैं। तो इस सत्र को दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं। अब हम आपको उस अनंत रचयिता के प्रेम, रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे भाइयों, आदने वसु, धन्यवाद।